हरे कृष्ण। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य, उनके गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सुंदर सा उपाख्यान देते हैं। वह कहते हैं कि एक गांव में एक नया सा एक सर्कस आया था, बड़ा सर्कस, बड़ा तंबू लग गया था। और खासियत इस सर्कस का यह था कि 5 पैसे में सर्कस देखा जा सकता है। और तो और दूसरी बात, ये सर्कस 10 मिनट का शो होगा और अकेला एक व्यक्ति अंदर इसमें प्रवेश करेगा। और 5 पैसे में आज के ज़माने में क्या मिलता है? तो ये 5 पैसा में होता था, और आज अगर सर्कस देखे तो 500 रुपया में टिकट मिलता है। तो 5 पैसे में सर्कस एक गांव में, अब लोगों में बात फैल गई और सब सर्कस के लिए आतुर हो गए। लंबा सा लाइन लग गया था, एक सज्जन सुबह से खड़ा था और प्रवेश जैसे ही उनको हुआ उस सर्कस के अंदर, तो देखा अंधकार ही अंधकार था। धीरे धीरे एक के बाद एक कदम लेते लेके जैसे वो बीच पे पहुंचा तो अचानक से बीचों बीच रोशनी आ गई, फ्लैश ऊपर से, और उनके सामने एक हंटर खड़ा हुआ था, पहलवान, उसके हाथ में चाबुक। तो देखा अब होगा सर्कस, तो बोला यह है मेरा टिकट, 5 पैसे में मैंने टिकट लिया। तो हंटर लिया, वो चाबुक लिया और 2 चाबुक से उसके ऊपर जोर जोर से कोड़े मारने लगे। बोला ये क्या? बोला यह है 5 पैसे में सर्कस। मैंने सोचा यहाँ पे बहुत सारे जोकर्स होंगे, हाथी घोड़े और लोग ऊपर नीचे कूदेंगे, ये क्या, यहाँ पे कुछ तमाशा नहीं? तो बोला कि तमाशा कुछ नहीं, यहाँ पे केवल तमाचा है। और 2-3 लगाया, बोला 5 पैसे में क्या आप यहाँ पे हमको डांस करते हुए देखोगे? और 2-3 लगाया, जान बचाते बचाते वो भागा सर्कस के दूसरी ओर से बाहर निकला। तो देखा पूरे गांव के गांव लाइन में खड़े हैं 5 पैसे में सर्कस देखने के लिए। व्यक्ति का हाल बेहाल था, धोती कुर्ता सब तीतर बितर हो गया था, पर देखा कि गाँव वाले बहुत आतुरता से उन देख रहे कि कौन गया था और क्या देखा था और क्या अनुभव किया होगा। तो सोचा लोगों को पता लगेगा कि मैंने अच्छा पिटाई खाया तो पूरे गांव के सामने मैं एक मजाक का नमूना बन जाऊंगा। तो सोचा कुछ करता हूं। तो दिमाग लगाने के बाद वो अपना कुर्ता पैजामा सब फिट करके सबके सामने गया, हंस हंस के बोला अरे क्या बताऊँ क्या बताऊँ क्या बताऊँ, अरे कुछ बताने के लिए शब्द नहीं, अरे क्या कहना क्या कहना, अरे कहो ना क्या हुआ क्या देखा, अरे क्या बोलूँ, लाजवाब लाजवाब। तो बोला क्या देखा? अरे देखने लायक है, देखने लायक है, बोलने लायक नहीं है, देखो फिर अनुभव करो, देखो फिर अनुभव करो। फिर दूसरे व्यक्ति जो गया वो सोचा सच में ये बहुत कुछ अनुभव किया होगा। तो वो जब अंदर गया उनके साथ भी वही हुआ, पर वो सोचने लगा पहला वाला व्यक्ति बहुत खुश लग रहा था, अब पूरा गांव पीछे पड़ा हुआ है, अगर मैं बोलूँगा कि मैंने मार खाया तो मैं नमूना बन जाऊँगा इनके सामने मजाक का। तो बोला वो भी अपना धोती कुर्ता फिट करके हंस हंस के बाहर आ रहा था, पेट पकड़ के बोला अरे वाह, आज तक ना भूतों ना भविष्य, आज तक ऐसा कभी देखा नहीं सुना नहीं, देखने लायक है, जीवन में एक बार नहीं बार बार देखना चाहिए, चाहूँ तो मैं लाइन तोड़ के फिर से जाऊँ, नहीं नहीं। तो फिर तीसरा व्यक्ति अंदर, चौथा, पूरा गांव का गांव मार खा के आया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि हमने इतना मार खाया। सब बोलने लगे
कि नहीं नहीं कितना सुंदर अनुभव हुआ। तो इसी प्रकार से श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बड़े संत वैष्णव आचार्य, वो दुनिया को एक सर्कस का एक तुलना करते हुए कहते हैं कि ये दुनिया एक सर्कस है। आप जिनसे पूछो वो यही कहेंगे, हुजूर आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो बोलते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। सच पूछो तो आए दिन इतने सारे कष्ट और संघर्ष हमें हमारे जीवन में हम पाते हैं, फिर भी हम लोगों को क्या कहते हैं, मैं ठीक हूँ। इस संसार के तीन प्रकार के ताप का हम अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, मन का, तन का, अन्य लोगों के द्वारा, और इस संसार के अलग अलग प्रकार के दैविक प्रकोप का अनुभव कर रहे हैं हम, फिर भी हम कहते हैं हम ठीक हैं। अगर कोई इसमें से कहता है कि चलो भाई हम थोड़ा सा धार्मिक होने का प्रयास करेंगे, तो लोग यही कहेंगे अरे मैंने पूरा जीवन खाया पिया मजा किया और देखो कितना मैं ठीक लग रहा हूँ, मेरे दादाजी ने भी वही किया, मेरे पर दादाजी भी ने वही किया, आप भी वही करो, कुछ अलग से करने जाओगे आप नमूना बन जाओगे दुनिया के सामने। तो इस प्रकार से दुनिया वाले वो आज खाओ पियो और अपना जीवन चलाओ इसी में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं इसी में खुशियाँ हैं। और अगर कोई धार्मिक होने का प्रयास करता है तो उसको नमूना बनाकर उसे उनका जीना बहुत मुश्किल कर देता है। पर सच पूछो अपने आप से, अपने हृदय का टटोल कर, क्या खाओ पियो मौज मस्ती से हृदय में हम सच में खुशियों का अनुभव कर रहे हैं? तो यह है सर्कस पांच पैसे का। ये दुनिया सर्कस है जहाँ पे हर कोई मार खा रहा है पर कह रहा है हमें अच्छा लग रहा है। आप भी यही करो जो हम कर रहे हैं और ये अनुभव होने के बाद हम भी वही कह रहे हैं कि औरों से, भावी पीढ़ी से, कि आप भी वही करो जो हम कर रहे हैं। पर थोड़ा हटकर धर्म के और चलेंगे तो वास्तविक सुख की मिलेगी, शांति मिलेगी और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।